ब्रजेश सिंह है, हरिशंकर तिवारी है, धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह है, बड़े बड़े माफिया वहाँ हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम तो उनके लिए भी नहीं कहेंगे कि उन्हें उठा दो और उनका एनकाउंटर कर दो। ये तो आप ये समझो कि पुलिस को बिल्कुल गुंडा बना रहे हो, और पुलिस फिर आज तो माफियाओं का एनकाउंटर कर रही है, कल उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एनकाउंटर करेगी, फिर मीडिया कर्मियों का एनकाउंटर करेगी। तो जो भी इनके खिलाफ जाएगा उन्हीं का एनकाउंटर होगा, और इनके डर से फिर कोई बोलेगा नहीं। तो ये माहौल इस तरह का बनाया जा रहा कि कोई आदमी सरकार के खिलाफ ना बोले, और ये हिंदू मुस्लिम एंगल इसे दे दो जिससे कि तुम्हारी फिर से 2024 में सरकार बन जाए। पीछे जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें हिंदू भी रही हैं, मुस्लिम भी रही हैं। ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये कानून का, कानून की प्रक्रिया का और संविधान का सवाल है। चीज़ें कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। जो भाषा मुख्यमंत्री जी की है वही गलत है, मिट्टी में मिला देंगे, ख़त्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए किसी आदमी को यह हक नहीं है देश में कि वो किसी की संपत्ति को नष्ट कर दे या पुलिस को आदेश दे करके एनकाउंटर करा दे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है और खिलाफ कानून है। कुछ लोग कह रहे हैं टीवी पर कि अब जो है अशायस्ता का क्या होगा, पता नहीं क्या ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कोई यकीन है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे हैं और जिस हिसाब से इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है समाज में, तो समाज की तरफ से भी बड़े हिस्से की तरफ से इनके जो गलत कानून है, गैर कानूनी कार्रवाई है, उसको भी सैंक्शन मिल रही है। तो ये सैंक्शन और ख़तरनाक चीज़ है। जो इमरजेंसी इंडिया में रही है उसके खिलाफ लोग लड़े, इसी तरीके से यदि तानाशाही कैसा आती है, तानाशाही की यही निशान है कि आप बिना कानून का पालन किए, बिना अदालती प्रक्रिया का पालन किए पुलिस को पूरे अधिकार दे देंगे, पुलिस किसी को भी उठाएगी एनकाउंटर कर देगी। तो हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, हमारे संविधान में तीन चीज़ें हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है और आपकी कार्यपालिका है। पुलिस जो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है और किसी को सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है, और जिस तरीके से यूपी में एनकाउंटर किए जा रहे हैं ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और पुलिस के हाथ में पहले से ही बहुत सारी शक्तियां हैं। इस तरीके से यदि पुलिस के एनकाउंटर को हम सैंक्शन करेंगे, अभी आपने देखा हो तेलंगाना में जो रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ था उसमें सज़ा हुई है। तो ऐसे कई मामले हैं जिनमें एनकाउंटर फर्जी निकले और पुलिस वालों को सज़ा हुई, लेकिन इसको इस तरीके से करना ये बिल्कुल समाज के कानून के खिलाफ है। और जो आधुनिक समय में न्याय प्रणाली बनी है वो इसलिए बनी है कि किसी के साथ गलत ना हो। कोई अपराधी है तो है, तो अपराधी के लिए न्यायिक प्रक्रिया, उसका पालन होना चाहिए, न्यायालय में लाइए, उसका ट्रायल कीजिए, उसे सज़ा दिलवाइए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सज़ा मिली है, किसी को उम्र कैद मिली है, किसी को फांसी मिली है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा इन्होंने इसे पॉलिटिकल बनाया और इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की है। लेकिन जो योगी साहब ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, क्या उसी की ये जो है शुरुआत हो गई है? देखिए, जो सवाल आपके जो है मलिक साहब ने उठाए हैं, उनका इंटरव्यू में उन्होंने जो अंबानी के ऊपर, अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर, रिलायंस के ऊपर, पुलवामा के मामले में जो जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया जिसमें आज तक कोई जांच नहीं हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चीज़ नेशनल मीडिया में ना आए, लोगों के उसमें चर्चा में ना आए, तो इसको लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और एकदम बिल्कुल गलत है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है, और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का भी एनकाउंटर करना कानून के खिलाफ है, और ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे, वो कौन थे, उनका आपस में क्या रिश्ता था, कोई इंसाइडर तो उनके साथ में नहीं है, पुलिस वहाँ खड़ी रही, उनके ऊपर गोली भी नहीं चलाई गई, वो आराम से आए मार करके और उन्हें वहाँ सरेंडर भी उन्होंने कर दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उनके ऊपर उठ रहे हैं, उसमें यदि जाँच हो ढंग से तो बिल्कुल इसमें निकल कर आ जाएगा कि इसके पीछे वास्तव में हुआ क्या। लेकिन वकील साहब, जो तीनों ये हत्यारोपी हैं, जो जिन्होंने अतीक का और अशरफ का मर्डर किया है खुलेआम सड़क पर, उनका कोई इंटरोगेट नहीं हुआ है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं भेजे गए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? नहीं, वो जेल में तो गए हैं और उनका जो है इंटरोगेशन का तो मुझे नहीं पता अभी चल रहा नहीं चल रहा, रिमांड उनका लिया पुलिस ने कि नहीं लिया। लेकिन मीडिया से जो खबरें आ रही हैं तो वो काफ़ी सवाल खड़े करती हैं कि वो लोग बहुत, एक तो बहुत गरीब परिवार से वो हैं और 7-8 लाख रुपये की पिस्टल से उन्होंने मर्डर किया, तो 7-8 लाख रुपये की पिस्टल उन्होंने किसने दी, किस गैंगस्टर ने दी या किसने क्या किया? रिमांड क्यों नहीं मांगी उनकी?
तो कहीं ना कहीं यही सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिना जांच के कोई बात कह देना भी ठीक नहीं है। तो इसमें समुचित जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और तभी इसका सच सामने आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसियां यदि जांच करेंगी तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ों को ढकने का काम करेंगी। हथकड़ी लगी हुई है जो मुलजिमों को, और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है क्या, मीडिया के सामने उनको लाया जा सकता है जिस तरह से उनको ले जाया गया था, वहाँ मीडिया आ गई थी बहुत सारी? वो पता नहीं कैसे, पहले तो उनका चल रहा था, किसी को पता भी नहीं था, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मैं क्योंकि इस तरीके से बिना जानकारी के कह देना ठीक नहीं है। बहुत सारे सवाल ये चीज़ खड़ा कर रही है कि वो पुलिस के घेरे में घुस करके और बेधड़क हो करके, और जिसमें कि योगी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ यूपी में इनटॉलरेंस है, अपराधी कांप रहे हैं, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उसी यूपी में तीन लड़के आते हैं और पुलिस की स्टडी में इतने बड़े अपराधी को मार करके चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो डिक्लेरेशन है, आपकी जो घोषणा है, जो आप कह रहे हो कि भाई माफिया राज हम खत्म कर देंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उस पर भी ये सवाल खड़ा करती है। ये जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है, उस पर भी ये सवाल खड़ा करती है। जब ये घटना हुई थी उस दरमियान वहां पर 18 पुलिसकर्मी थे, एक SHO के सहित, किसी ने भी जो है फायरिंग नहीं करी बदमाशों के ऊपर? बिल्कुल नहीं करी, और ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि उन्होंने वो उसे खड़े हुए देखते रहे, मरता हुआ देखते रहे। और मीडिया कर्मियों के बीच में भी, चूंकि लोकल मीडिया वहां था, तो लोकल मीडिया के बीच में यदि कोई तीन लोग आई कार्ड लेकर के आते हैं तो लोकल मीडिया के लोगों को पता होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सवालों को खड़ा करती हैं, और उन सवालों का कोई जवाब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर नहीं आया। बिल्कुल, जिस सिक्योरिटी से उन्हें साबरमती जेल से लाया गया था, वो सिक्योरिटी यहाँ दिख नहीं रही थी। हाँ, तो जानबूझ करके उसमें कुछ हुआ है ऐसा कि जो गड़बड़ है। तो बंद कर दें, कोर्ट की क्या ज़रूरत है, न्यायपालिका को ही ख़त्म कर दें, इसकी कोई क्या आवश्यकता, क्या वकीलों की ज़रूरत है, क्या न्यायाधीशों की ज़रूरत है, तो पुलिस को ही दे दें ये सब काम। पुलिस उठाए, जिसको उठाए मार दे, और पुलिस तो मारती रहती है, पुलिस पीटती भी रहती है, पुलिस पूरे दिन खिलाफ कानून काम करती है। कितने एनकाउंटर पुलिस ने फर्जी किए हैं, कितने एनकाउंटर्स में पुलिस को सज़ा हुई है। यूपी में तो हाशिमपुरा का केस है, आपका मल्याना का केस है, और एक जो राठी का केस है दिल्ली में, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो बाद में जिनमें सजा भी हुई और बाद में पता चला कि सब फर्जी बात है। बिहार का, हाँ, लक्ष्मणपुर बात है। तो पुलिस की तो ये प्रैक्टिस है। तो पुलिस तो जो सिविल राइट हैं हमारे, आपके जो राइट हैं, वो भी सब खतरे में आ जाएंगे। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा पुलिस उठाएगी, उसका एनकाउंटर कर देगी। पाकिस्तान का आतंकवादी था कसाब, उसको यहाँ रखा गया था, बाकायदा तारीखें मिली, कोर्ट कचहरी और जो जिरह हुई उसको बाद में फांसी मिली, लेकिन जो है अतीक अहमद के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं देश में जिन्हें फांसी की सज़ा हुई है और सज़ा दी भी गई है। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, IPC में फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है या उम्र कैद का प्रावधान नहीं है। आप कितने ही बड़े अपराधी हैं, आपके अपराध के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। तो आपको किसने हक दे दिया कि आप किसी को मार दोगे? उसको जो उठा करके मार दिया असद को, तो वो भी फर्जी एनकाउंटर है। तो पता है सबको, पूरे समाज को पता, और जो जागरूक लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, संविधान में और कानून में विश्वास करते हैं, उन्हें पता है कि ये गलत हुआ है। और ये जो इसको धार्मिक एंगल दे करके, इसे पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश हो रही है। और जो सवाल पुलवामा को लेकर के मलिक साहब जो पूर्व गवर्नर हैं उन्होंने उठाए हैं, उन पर कोई देश में चर्चा ना हो, कोई गंभीर चर्चा ना हो, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2024 की वजह से जो है पोलराइजेशन किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर। एग्जैक्टली, और पोलराइजेशन के हिसाब से ये राजनीति एनकाउंटर, इनकी जो भी कार्रवाई है वो सब पोलराइजेशन के मुताबिक हो रही हैं। लोगों के जो असली दुख और दर्द हैं उन पर इनका कोई ध्यान नहीं है, और ना इन्हें कोई देश से लेना देना, ना देश की सुरक्षा से लेना देना। इन्हें देश से लेना देना होता तो ये पुलवामा के मामले में जांच कराते, और पुलवामा के मामले में जिन लोगों ने लापरवाही की है उसमें कार्रवाई करते। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि एक आतंक का जो अध्याय था वो समाप्त हो गया है, बढ़िया हुआ है। कोई कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे माफिया उत्तर प्रदेश में, और माफिया को उठा करके मार देना का किसी को कोई हक नहीं है, किसी को भी नहीं है। कोई भी माफिया हो सकता, गुंडा हो सकता, बदमाश हो सकता, उसे गिरफ्तार करो, उसको जो है जेल भेजो, उसकी सजा दिलाओ, उसमें जो भी सजा उसे मिले ये कोर्ट का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है।